प्रिय बालक जी, स्वागत है आप सभी के गुरुकुल आश्रम के इस प्यारे से यूट्यूब चैनल पर। आप हैं क्लास 8 के प्यारे से बच्चे, और चाहे आप सीबीएसई बोर्ड से हैं, बिहार बोर्ड से, बहुत बार बता चुका हूँ, जो भी अपना लेवल आता है वो दोनों के लिए आता है, सीबीएसई बोर्ड और बिहार बोर्ड दोनों को इसमें कवर किए हैं। आज के लेक्चर में हम आगे बढ़ाएंगे कंपेयरिंग ऑफ क्वान्टिटीज, जो अपना था राशियों में तुलना। राशियों की तुलना जब हम पढ़ रहे थे उसका लेक्चर नंबर 2 होगा। आपको उम्मीद करता हूँ अपने लेक्चर नंबर देख लिया होगा, आपको अच्छा भी लगा होगा। कोई डाउट हो तो जरूर पूछ लीजिएगा, उसको हम सॉल्व करेंगे। ऐसे बहुत आराम से पढ़ाया गया, आपको डाउट नहीं आने दिया गया होगा। फिर भी किसी बच्चे को आ गया होगा तो आप अपना कमेंट कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं लेक्चर नंबर 2 को। और लेक्चर शुरू होते होते शुरू होगा पहले आपके क्लास वर्क से। पहले इस क्वेश्चन को बच्चे सॉल्व करेंगे। एक बात बोला गया है कि मान ली 25 छात्र हैं, आप लोग मेरे पास कितने बच्चे हैं, 25 छात्र हैं। मैं कहता हूँ कि उसमें से 72% ऐसे बच्चे हैं जिनको मैथ अच्छा लगता है, रुचि लगता है। रुचि मतलब इंटरेस्ट है मैथ में, यहाँ रुचि लिखा हुआ है, ठीक है। मैं थोड़ा इसको आपको सही कर दिखाता हूँ पेंसिल से। यहाँ पर रुचि लिखा हुआ है। मेरे पास 25 बच्चों में 72% बच्चों को मैथ अच्छा लगता है, तो कितने ऐसे बच्चे होंगे जिनको मैथ अच्छा नहीं लगता है, यही क्वेश्चन करना है। जल्दी कीजिए। तो चलिए, क्लास रिकॉर्डेड है तो बिल्कुल आपको वीडियो पॉज करना है, सॉल्व करना है। आपने बताया सर कि गणित में, तो पहले अब ये पता कर लो ना सर, 72% कितने होते हैं 25 का। तो हम 72% किसका निकालेंगे, 25 का। तो इसमें से मालूम चलेगा ना कि जिनको अच्छा लगता है वो तो मालूम चलेगा कि मैथ में इंटरेस्ट वाले बच्चे कौन है, कितने हैं। तो सिर्फ 25 में से टोटल मैथ वाले जितने अच्छे लगते हैं उनको हम माइनस कर लेंगे तो बच जाएंगे मेरे पास बिना अच्छे लगने वाले, जिनको मैथ अच्छा ना लगता हो। 72% का 100 किसका, 25 बच्चों का। चलो किए तो सर कट गया 25 चौका 100, 4 बार में, 4 से कट गया 72, 18 बार में। 18 छात्र ऐसे हैं बच्चे जिनको क्या है, मैथ में रुचि है। अब ही बताओ कि तुम जब 25 में 18 बच्चे को मैथ अच्छा लगता है तो कितने बच गए, तो 7 बच्चे बच गए। 7 बच्चे ऐसे थे जिनको मैथ में रुचि नहीं है। क्या ऐसे क्वेश्चन तुम कर लोगे? हाँ सर कर लेंगे हम। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट के पास। एक फुटबॉल टीम ने मैच खेला है जिसमें से 10 मैच जीता है। अब ये नहीं पता वो कितने मैच खेले, ये पता है कि सिर्फ 10 मैच जीत चुके हैं और बाकी उनकी जीत का जो परसेंट दिया गया 40%, वो 40% मैच जीते हैं तब 10 को मैच जीते हैं। 100% नहीं, 100 में 100 नहीं जीते हैं, 100 में 100 जीते होते तो मैच ज़्यादा जीते, लेकिन 40% मैच जीते हैं यानी आधा से भी ज़्यादा हारे हैं। 2 मैच खेल के अगर देखो, 10 मैच खेला, 5 मैच जीता, 5 मैच हार गए तो उसको बोलते हैं 50%, यह उससे भी कम। 40% मात्र मैच जीत रहे हैं तब भी 10 मैच जीत चुके हैं। तो बताइए कुल कितने मैच जीते होंगे, खेले होंगे कि 10 मैच जीते हैं, 40% मैच जीते और 60% मैच हारे हैं। तो बच्चे देखो, आपको नहीं पता तो आप लिख दीजिए कि माना कि उनके द्वारा मैच खेला गया एक्स है, ठीक। कुल मैच के 40% है, कुल मैच का 40% में कितने जीते हैं, 10 जीते हैं। तो इसको हिसाब कीजिए, 40% कितना मैच खेले हैं नहीं पता है तो एक्स लिख दीजिए, 10 जीते हैं रिजल्ट पता है, 10 इधर गुना में चल जाएगा, भाग में गुना में आ जाएगा, 40 मल्टीप्लाई में डिवाइड में आ जाएगा। अब खुद से काटिए, ये कैलकुलेशन आपको आना चाहिए। तो देखो, 1 0 से 1 0 कट गया, ठीक, बच गए 4 और 10, तो मैं काट दिया हूँ, चाहे 4 से काट दिया, देखो 0 से 0 कट गया, 4 से कट दिया 25 बार में, हाँ 1 0 से 0 कट दिया, 4 से कट दिया 25 बार में 100। तो 25 मैच उन्होंने खेला था जिसमें से 10 जीते और बाकी मैच हार गए। आज हम बात करेंगे नया टॉपिक CPSP यानी कॉस्ट प्राइज सेलिंग प्राइज यानी क्रय मूल्य विक्रय मूल्य पर हम क्वेश्चन करेंगे। देखिए क्रय मूल्य क्या होता है, मार्केट में कोई वस्तु आप खरीदे, मैंने इसको खरीदा 5 रुपये, मान लो कि मैंने खरीदा होगा इसको 5 रुपये में, ठीक, तो ये मेरे कहलाएगा क्रय मूल्य। अगर मैं इसको बेच दूँ 6 रुपये में तो कहलाएगा विक्रय मूल्य, जिसको हम बोलते हैं सेलिंग प्राइस। शॉर्ट में बोलेंगे कॉस्ट, क्रय मूल्य को शॉर्टकट में CP बोलेंगे और विक्रय मूल्य को हम लोग शॉर्टकट में SP बोलेंगे, और पुलिस SP वाला नहीं, ठीक है। लाभ, लाभ बोले तो बच्चे प्रॉफिट। सर लाभ क्या होता है, लाभ बच्चे जी अगर देखो आपने कोई चीज़ खरीदा बेचा,
आपने कोई चीज़ बेचा और कोई चीज़ खरीदा था और बेचने का मूल्य ज़्यादा होगा खरीदने से तो क्या लगेगा। जैसे मैंने ये कलम खरीदा होगा 4 रुपया 75 पैसे में, एक बात बता रहा हूँ, मैंने इस पेन खरीदा होगा 4 रुपया 75 पैसे में, 4 रुपीज़ 75 पैसा इतना में, और मैं इसको बेच रहा हूँ 5 रुपये में, तो मुझे इसमें कुछ ना कुछ प्रॉफिट हो रहा है कि नहीं। तो मेरा देखो ये सेलिंग प्राइस क्या है, हाई है, सेलिंग प्राइस ज़्यादा है किससे, कॉस्ट प्राइस से, तो इस केस में हम लाभ दर्शाते हैं। तो सर हानि कब होता होगा, अरे उल्टा हो जाए, खरीदा हूँ 5 रुपये का, बेच देता हूँ 4 रुपये में, और ये मेरा क्या है CP, और ये मेरा SP, तो कहने का मतलब SP और सेलिंग प्राइस जो है कम हो जाए कॉस्ट प्राइस से, तो यहाँ पर होती है हानि, यहाँ पर हो रहा था लाभ। सिंपल भाषा में कोई डाउट मेरे ख्याल से नहीं होगा, वही बात इसमें लिखा गया है। एक बार आप सर परसेंट कैसे निकालेंगे, लाभ परसेंट, प्रॉफिट परसेंट यानी लाभ प्रतिशत कैसे निकालेंगे, तो लाभ प्रतिशत निकालने के लिए लाभ बट्टा में CP गुना 100 से कर दोगे और परसेंट लगा दोगे तो तुम्हारा लाभ प्रतिशत निकल जाएगा। सेम हानि के लिए ही करना है, लाभ हानि CP 100%। आपसे हम क्वेश्चन कराएंगे, चिंता नहीं लेना है, कि लॉस का परिभाषा हो गया, डे फार्मूला हो गया। अब चलो कभी आपको ऐसा सवाल मिलेगा कि आपको CP कहते कि जब CP और SP प्रॉफिट लॉस ये सब कुछ कुछ गिवेन हो तो कुछ कुछ ये निकालना हो, जैसे आपको CP निकालना है ठीक, आपको सिर्फ लाभ प्रति गेन मतलब होता है लाभ प्रतिशत, गेन का मतलब होता है लाभ प्रतिशत, इस बात को आप याद रखेंगे। CP निकालना है तो आपको लाभ प्रतिशत पता है तो ये फार्मूला लगाएंगे तो आपको CP निकल जाएगा ठीक। ऐसे ही आपको अगर CP निकालना है, हानि प्रतिशत पता है, फिर भी आप CP निकाल सकते हैं, कॉस्ट प्राइस। सिर्फ मैं बोल दूँ कि इस कलम को बेचने पर 10% का हानि हुआ है तो कॉस्ट मेरा कितना में खर्चा था तो आप निकाल सकते हैं। हाँ बिल्कुल, मैं कह रहा हूँ कोई कलम बेचने पर मुझे 20% फायदा हो रहा है तो मेरा कॉस्ट प्राइस कितना का था वो भी आप निकाल सकते हैं, लाभ पता है तो भी निकाल सकते हैं, हानि है तो भी निकाल सकते हैं, यही फार्मूला लगाइएगा। हो गया फार्मूला नोट। चलो अब देखिए SP निकालना हो तो ये भी निकाल सकते हैं, लाभ प्रतिशत 100 + 100 × CP, हानि पता है तो भी आप SP निकाल सकते हैं। इसी पर एक सवाल करेंगे, बवाल होगा तो आपको कंसेप्ट हो जाएंगे क्लियर, कीजिए तो सवाल को। एक दुकानदार भैया हैं, एक खिलौना 250 रुपये में खरीद कर, आप इसका तो हिसाब किताब कीजिए, मैं देता हूँ कितने बच्चे इसको बना सकते हैं, एक बार आप ट्राई करेंगे कोई समस्या नहीं होगा, ट्राई करने में कुछ नहीं है। ट्राई किया बच्चों ने? हाँ सर। देखो सवाल में कुछ है नहीं, अगर तुम ऐसे से क्वेश्चन कर जाते हो ना तो फिर समझो कि आपके लिए मैथ हो गया बहुत आसान, आपके लिए मैथ हो जाएगा इजी। चलिए कहता है कि दुकानदार है 250 रुपये में खिलौना खरीदता है और 250 में बेचता है, उसका लाभ और लाभ प्रतिशत निकालिए, तो ये सवाल तो आपके लिए कितना हलवा था। देखो पहले तो आपको लाभ निकालना, तो लाभ कैसे निकालेंगे, सेलिंग प्राइस से कॉस्ट पर घटाएंगे, सेलिंग प्राइस ज़्यादा है, यहाँ पर देखेंगे आप, यहाँ थोड़ा सा मेंशन करेंगे तो और अच्छा आपका नोट्स बनेगा। आप यहाँ लिखेंगे आपको प्रॉफिट कैसे मालूम चलेगा, तो आप लिखेंगे चूंकि SP जो है बड़ा है, देखो सेलिंग प्राइस क्या है, बड़ा है कॉस्ट प्राइस से, बेचने वाला मूल ज़्यादा है खरीदने वाले से, यानी बेचने वाला मूल ज़्यादा है खरीदने वाले से, तो ये जाहिर सी बात है लाभ दर्शा रहा है, क्या दर्शा रहा है लाभ, ये प्रतिशत दर्शा रहा है। चलो वही निकालना है, लाभ आज कितना लाभ हुआ, तो सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस घटा दो, सर 35 रुपये का लाभ हो गया। अब बोला कि अगर 35 रुपये लाभ हुआ तो कितना परसेंट हुआ, ये तब यही पूछ रहा है आपको, 250 का 35 कितना परसेंट होता है, शुरू में सिखा दिया हूँ, तो लाभ प्रतिशत कैसे निकलता है, लाभ बटा क्रय मूल्य गुना 100% लाभ इतना है। ये वाला पार्ट खुद से कीजिएगा, देखिए ये वाला पार्ट कुछ बच्चे को थोड़ा किची पिची दिख रहा होगा, सर पहले से काट कूट किया गया है, तो ये मैंने सॉल्व किया है, लेकिन ये तो बच्चों को सॉल्व करना है ना, क्या सॉल्व करना है, लाभ, लाभ मिला है 35 रुपीज़ अपन में CP है अपना बच्चा जी 250 इंटू में 100% निकालना है, लाभ निकाल दो, हम क्या निकाल रहे हैं लाभ प्रतिशत,
बच्चा जी 0 से 0 काट सकते हो क्या? हाँ सर, 25, 10, 35 हैं, सब कटने वाले हैं, काटो। 5 के टेबल से काटो तो ये 5, 5, 25 और 5, 7 जा, फिर 5, 6 को कर दो, 5, 2, 10 हो गया सर, बच गया आपके पास 7 × 2 और परसेंट, यही तो आपका आंसर हो गया 14%। यानी उस दुकानदार को 14% का बेनिफिट हो रहा है अगर वो 250 का सामान 285 में बेच रहा है, हो गया। चलो आइए सर, एक बढ़िया सवाल किया जाए। रोहन सोहन ने 2500 में एक पुराना फ्रिज खरीदा, ठीक है, फिर उसको पुराना था तो कुछ ना कुछ उसमें खराबियाँ था, उसको आके 500 और खर्चा किया, उसको मरम्मत करा लिया, 3300 में बेच दिया। वाह, क्या दिमाग वाला आदमी है, 2500, 500, 3000 खर्चा करता है, 3300 में बेचता है, यानी उसको 300 रुपये का लाभ हो रहा है, तो उसका लाभ अगला प्रदेश। अरे भाई, जाहिर सी बात है कि सीपी उसका जो है खरीद मूल्य प्लस ऊपरी खर्च, खरीद मूल्य उसका पड़ गया 3000 रुपया, लेकिन सर एसपी तो उसका ज़्यादा है, एसपी तो भैया 3300 का है उनका, हो गया, तो लाभ तो बिल्कुल दिख रहा है, कैसे निकालोगे सर? पता है आप वो बहुत अच्छे बच्चे हो सर, क्या निकालना है सर? परसेंट प्रॉफिट निकालना है या प्रॉफिट परसेंट निकालना है, तो प्रॉफिट बटा सीपी इंटू 100%। चलो सबको बैठाओ, अपने से काट छाट करना, इस बार आपका 10 बचेगा तो 10% का लाभ हुआ है। आइए सर, ये सवाल दमदार सवाल है, अगर इस सवाल को बच्चे कर लेते हैं तो समझिए कि आपके लिए कुछ भी सवाल अब टफ नहीं बचेगा। यदि कोई व्यक्ति अपने ठेला 720 में बेचता है, ठेला है उसके पास पुराना है, बेच रहा है 720 में, लेकिन उसको हानि हो जाता है 25% का, ओहो, लेकिन सर वो चाहता है कि नहीं हमको 25% का लाभ हो जाए, तो बोलो कितना बेचना चाहिए? तो पहले इस पार्ट को सॉल्व किया जाए। चलिए सर, हानि हो रहा है सर 25% कब? जब बेच रहा है 720 में, जब सेलिंग प्राइस रखता है 720 तो उसको हानि हो रहा है, तो पहले देखते हैं सर उसका खरीद रेट क्या होगा, पहले उसको खरीद रेट पता नहीं है ना। चलो निकालते हैं सीपी, सीपी क्या होता है सर? पहले हानि निकालते हैं, सीपी मान लीजिए एक्स, मान लीजिए हमको खरीद मूल्य नहीं पता है सर, क्रय मूल्य नहीं पता है, सीपी को हिंदी में क्या बोलते हैं? अरे हिंदी माध्यम वाले बच्चे, सर हम सीपी को कॉस्ट प्राइस बोलते हैं, जिसको हम लोग क्रय मूल्य बोलते हैं, शुरू शुरू में लिख तो दिया था आपको, मत भूल जाना जल्दी, क्रय मूल्य माना एक्स, तो हानि कैसे निकलता है सर? तो हानि बटा सीपी इंटू 100%। चलो हानि परसेंट पता है 25, सीपी सर हानि कैसे निकलता है? लाभ कैसे निकल रहा था? प्रॉफिट कैसे निकलता है? प्रॉफिट निकलता है सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट घटा दो, तो हानि कैसे निकलता होगा? हानि भी निकलता होगा सेलिंग प्राइस में से, अपना कॉस्ट प्राइस में सेलिंग प्राइस घटा दो, ये नहीं पता है, सेलिंग प्राइस मान लो 720 है, 720 बेच रहा है, बटा में सेलिंग प्राइस एक्स 100, इसको सॉल्व करो, ये गुना में है तो भाग में तो गुना में चल गया, तो 25 हो गया, 100 से गुना करो तो 100x, 100 से गुना करो तो इतना, इस देखो 7200 को क्या कीजिए सर, इधर ला दीजिए, अब 25 ला के 100 में से घटा लीजिए, तो 72 से इधर गया माइनस में तो प्लस में हो गया, और 25 में से 100 आगे घटने वाला है तो 75 बचेगा, और इधर 72 से है, 7500 से भाग दे दीजिए 72 को, तो ये कट जाएगा 960 बार में, अब इसको भाग देके देखिए, पहले 9 बार में जाएगा, फिर 6 बार में, फिर 0, कट ही जाएगा ये, तो यहाँ पर आपको ओहो, इसका मतलब 960 में खरीद के 720 में बेच रहा था, तभी तो उसको 25% का हानि हो रहा था, अब चाहिए उसको लाभ, इतना खरीदा अब दुकानदार का ओरिजिनल पता चल रही, इतना में खरीदा, अब इसका लाभ निकालना है सर 25%। चलो तो लाभ के लिए फार्मूला क्या है सर? आपको सब विक्रय मूल्य पता होना चाहिए, कितना बेचना चाहिए तब ना लाभ होगा, तो वो मान लेते हैं, नहीं पता है तो उसको वाई मान लेते हैं, एक्स तो ऑलरेडी मान चुके हैं, तो सर लाभ परसेंट का फार्मूला क्या होता है? लाभ प्रॉफिट बटा सीपी इनटू 100, लाभ परसेंट 25 नहीं रखना है, 25 निकालना है लाभ परसेंट, प्रॉफिट कैसे निकलता है? सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस घटा दो, सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस घटा दो, सेलिंग प्राइस कितना है सर? चलो ये देखो सर, इसको मैं थोड़ा आपको फिर से सॉल्व करके दिखाता हूँ, कुछ बच्चे को थोड़ा अजीब लगेगा, मेरा हो गई मगन। आइए सर, यहाँ पर 25 नहीं, यहाँ पर फॉर्मूला ही रखते हैं, यहाँ पर लाभ प्रतिशत रखते हैं, लाभ प्रतिशत बेटा आगे सही कर दीजिए, क्योंकि पहले तो फॉर्मूला लिखना चाहिए ना, लाभ प्रतिशत, चलो यहाँ से बनाता हूँ, लाभ प्रतिशत से बना के निकलता हूँ,
तो लाभ परसेंट आप निकालना चाहते हैं सर, आप प्यारे प्यारे बच्चे हैं, लाभ परसेंट आपको निकालना है, आसानी से निकाल लेंगे। कैसे निकलेगा, लाभ कितना चाहिए सर, 25% चाहिए, तो 25% बराबर प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है सर, कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस, सॉरी सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, और अपॉन में क्या है सीपी, इनटू में क्या है सर 100%, परसेंट से परसेंट कट जाएगा, बचेगा 25। सेलिंग प्राइस कितना है सर, सेलिंग प्राइस है आपके पास नहीं पता है कितना बेचना चाहिए, लेकिन कॉस्ट प्राइस पता है सर, आपको पता है 960 रुपया, 960 में सामान खरीदा गया है। सीपी कितना है सर, 960, सॉरी यहाँ बच गया सिर्फ 100। मैं कहता हूँ सर ये 100 मल्टीप्लाई में है, इसको डिवाइड में ले जाइए, ये मल्टीप्लाई में डिवाइड में ले जाओ, पहले ये चल जाएगा ना इसके 2500, ये डिवाइड में चल गया मल्टीप्लाई में 960, ठीक ये मल्टीप्लाई में है सर, तो ये तो डिवाइड में आ जाएगा 100। यहाँ बच गया सिर्फ बबुआ जी वाई माइनस 960, यानी 960 रुपये, 00 काट सकते हैं सर, 10 98 5 से कटिए, 5 दूना 10 और 50 25, ठीक है 296 काट दीजिए सर, 2 चौका 8 और 16 2 8 16, इतना बच गया, अब गुना कर लीजिए, 5 8 40, 4 हासिल, 5 चौका 20 4 24, इन होगा। अब इसको इधर ला दीजिए तो प्लस हो जाएगा किधर, 960 बच गया भाई। वाई हम क्या निकाल रहे हैं, सेलिंग प्राइस निकाल रहे हैं, तो सेलिंग प्राइस आ गया आपका 000 6 4 10, हासिल 1 9 2 11 1 12, ओहो 12 से बेचना चाहिए तब जाके 25% लाभ होगा। तो यहाँ से एक बार नोट कर लेंगे बच्चे सॉल्यूशन, और यहाँ भी नोट कर दिया हूँ, देख लो यहाँ भी बना दिया, तो आपको सर नहीं बुझा रहा था इसलिए मैं फिर दोबारा बना दिया कि बच्चे ये ना कहें सर कि रिकॉर्डेड क्लास है, रिकॉर्डेड वाला फिर नहीं आने दिया जाएगा, अतः दुकानदार को 12 समय सामान बेचना पड़ेगा। चलिए सर आज कुछ नया टॉपिक की बात की जाए, मार्केट प्राइस क्या होता है, मार्केट प्राइस क्या होता है, मार्केट प्राइस, ओ हो बच्चा जी, अरे मार्केट प्राइस आपको दिखाता हूँ सर, आप देख रहे हैं मेरे पास एक बुक है, लग गया बच्चों के लिए क्लास 10th का है, प्राइस लिखा गया सर 260, पता कितना मिला है सर, मिलता है 120 रुपये में, लिखा कितना है 260, तो ये सर हो गया मार्क्ड प्राइस, अंकित मूल्य, और हम लाए कितना में सर 120 में, यानी दुकानदार ने हमको छूट दिया है इस पर, कितना दिया आप निकाल सकते हैं। चलिए तो पहले मार्केट का भाव, अंकित मूल्य सब लिख लीजिए, लिस्ट प्राइस क्या, अच्छा लिस्ट प्राइस क्या होगा, देखो लिस्ट प्राइस क्या होगा अभी बता रहे हैं, अभी बताते हैं, मान लो ये तो इस पर छपा है 260, लेकिन लिस्ट प्राइस वो होता है जहाँ से दुकानदार ने खरीदा होगा, उसको रेट मिला होगा, तो ज़रूर अगर हमको, देखो बच्चे मैं बता रहा हूँ 260 रुपये का सामान हमको मिल गया मार्केट में 120 में, तो कुछ छूट तो मिला है सर, मिल गया छूट, हाँ सर मिला है, लेकिन दुकानदार को तो भाई, दुकानदार ने कितना बेचा इसको सर, एसपी सेलिंग प्राइस हो गया, ये मार्केट प्राइस हो गया, एमआरपी इसको बोलते हैं हम, लेकिन उसको ख़रीदा कितना होगा, दुकानदार ने इसे ख़रीदा कितना होगा, जब इतना बेचा है तो ज़रूर उसने 120 से कम में खरीदा, हो सकता है दुकानदार ने इसको 105 में खरीदा होगा, तो ये हो गया लिस्ट प्राइस, मैं आपको यहाँ पर सारा डाउट क्लियर कर दिया, लिस्ट प्राइस, तो ये हो गया लिस्ट प्राइस, ये हो गया मार्क प्राइस, और ये बेच दिया तो ये हो गया सेलिंग प्राइस, कोई डाउट है क्या बच्चे लोग, सर क्या पढ़ाते हैं, मज़ा आ गया, कुछ डाउट ही नहीं बचा है, तो नोट कीजिए इसको, वही सबको लिस्ट प्राइस को मैं नीचे समझाने की कोशिश किया हूँ, कहीं 20 रुपये लिखा है, इस पर 20 रुपये लिखा है, 20 में बेच रहा है, लेकिन उसको मिला होगा कितना में, मान लो 18 रुपये में, तो ये हो गया उसके लिए दुकानदार के लिए लिस्ट प्राइस, अब बेच रहा है उसको 20 रुपये में, तो हो गया मार्क प्राइस अंकित मूल्य। सर छूट क्या होता है बट्टा, अरे सर छूट दे दीजिए सर, दे देंगे सर, कितना छूट,
तो कभी लिखना देखना कुछ लिखा रहता है कि कुछ MRP मान लो 500 लिखा है और नीचे लिखा है तो 20% छूट, 20% ऑफ, 30% ऑफ, 10% एक्स्ट्रा ऐसा लिखा है तो बिस्कुट पर लिखाता है कि 5% एक्स्ट्रा, 15% एक्स्ट्रा, साबुन के अंदर साबुन पर लिखाता है 10% एक्स्ट्रा। ओहो चलो, ये डिस्काउंट जो भी मिलता है ना सर, ये हमेशा मार्केट पर भी मिलता है, लिस्ट पर तो नहीं। अगर दुकानदार ने इतना में खरीदा था इस पर वो छूट नहीं देगा, नहीं तो उसको हानि हो जाएगा। जब भी छूट देगा सर इसी प्राइस पर देगा जितना उस पर अंकित मूल्य है। तो यहाँ लिख दिया हूँ अंकित मूल्य पर ही छूट मिलता है। चलिए सर सवाल बनाते हैं। एक आइटम है 840 में, उसका मार्केट प्राइस है सर 840 और सोल्ड बेच दिया गया 714 में, व्हाट द डिस्काउंट, कितना डिस्काउंट हुआ और डिस्काउंट परसेंट कितना छूट दिया गया बताइए। जैसे मैं आपको दिखाया था प्राइस था 260 रुपया, मिल गया 120 में, वैसा ही सवाल है। प्राइस है इतना, बेच दुकानदार में 714 में, तो कितना छूट मिला हो? चलो तो सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला होता है सर मार्केट प्राइस माइनस डिस्काउंट। सेलिंग प्राइस है 714 में बेच दिया है, मार्क प्राइस उसका 840 था, डिस्काउंट नहीं पता तो एक्स मान लो। अब चलो क्या करना है सर, ये एक्स इधर के प्लस में हो गया, ये प्लस में था तो इधर के माइनस हो जाएगा, तो 126 रुपये छूट मिला है। ओहो क्या बात है, दुकानदार ग्राहक खुश। अब कितना छूट मिला है ये भी तो मिलना चाहिए ना सर। अभी हम निकालेंगे सर कि 260 रुपये पर हमको 120 मिला है, कितना छूट मिला है अभी निकालेंगे। चलो तो मार्केट प्राइस हो गया इतना छूट होता है सर, छूट परसेंट क्या होता है, छूट परसेंट निकालना है सर कितना रुपये का, 126 रुपये का। तो एक्स परसेंट का कितना निकालना है सर, एक्स परसेंट का मार्केट प्राइस का, एक्स परसेंट का मार्केट प्राइस फॉर्मूला होता है छूट प्रतिशत बराबर एक्स परसेंट और एक्स परसेंट का मार्केट प्राइस। चलो तो 126 छूट मिला है एक्स परसेंट का और मार्केट प्राइस कितना है सर 840, काट दो ये 10 मल्टीप्लाई में था सर, डिवाइड में था, गुणा में चल गया और ये मल्टीप्लाई में डिवाइड में आ जाएगा, काट कूट करोगे तो 15% का डिस्काउंट मिला, कितना का 15%। चलिए मेरे किताब वाला हिसाब निकालिए कितना छूट मिल रहा है बच्चे को। खरीदा गया मार्क प्राइस कितना है सर 260 रुपये, लेकिन उसको SP कितना है, मिल्क खरीद कितना में लिया आपने सर, आपने तो खरीद लिया 120 रुपये, बहुत बहादुर बच्चे हो, कितना डिस्काउंट मिला। तो सर पहले तो आप छूट निकालो, कैसे छूट निकलता है, तो छूट निकलता है CP सॉरी सेलिंग प्राइस SP बराबर मार्क प्राइस, इसको मैं MRP लिख लेता हूँ, MRP माइनस डिस्काउंट। ये हमको पता है सर कितना मिला सर, 120 मिला है, मार्क प्राइस कितना था 260 था, तो ये डिस्काउंट नहीं पता था, एक मान लेता हूँ कितना छूट मिला है, तो डिस्काउंट कैसे निकलेगा, ये घट जाएगा 260 में से 120 घटेगा, 0 0 6 में से 2 4 और 140 पर छूट मिला है सर, कितना छूट मिला है 140। अब ये कितना परसेंट हो गया ये निकालते हैं। चलो तो कैसे निकालना है सर, अभी सीखा आपने, इसको मैं मिटा लेता हूँ। ये पूरा मैं समझा रहा था एक क्या, अभी दुकानदार से कोई भी सामान खरीदते हैं तो उसका पता कर सकते हैं। 140 पर मैं आपको पढ़ा है, तो 140 में आपको मिला ठीक, ये निकालना है आपका छूट प्रतिशत, छूट प्रतिशत जो होता है बराबर 100% एक्स परसेंट का मार्केट प्राइस MRP, एक्स परसेंट मतलब 100 का MRP सर कितना है, MRP था 260, कितना मिला छोटे को 140 मिला है, काटिए 10 मल्टीप्लाई में डिवाइड में चल जाएगा, डिवाइड में मल्टीप्लाई में आ जाएगा, 26 मल्टीप्लाई में डिवाइड में आ जाएगा, बचेगा एक्स, यानी आपको छूट परसेंट निकलने वाला है 0 0 कर दीजिए और दूसरे कर दीजिए, क्या बात है 70% डिस्काउंट, वाह खतरनाक डिस्काउंट मिला है बच्चा जी आप लोगों को। चलो तो इस टाइप के भी सवाल आप कर जाएंगे, कोई तकलीफ समस्या नहीं आएगा यहाँ तक, मेरे उम्मीद है सर आपने तो ये करा दिया सर, बुक वाले क्वेश्चन करा दीजिए। चलो सर पहले हम कुछ बुक के, अब देखो मैं आपको इतना तैयार कर दिया हूँ कि आप अपना एक्सरसाइज खुद बना सकते हैं बच्चे जी, आप किसी पर आश्रित नहीं रहोगे इतना गारंटी देता हूँ।
अपना चैप्टर आप खुद बना के जाओगे। बुक कहाँ है? एक सेकंड बच्चा जी, बुक लगता हूँ पेंसिल या पेन वाला, बिहार बोर्ड वाला, बीएसबी वाला। आपको अलग बुक से कुछ क्वेश्चन कराते हैं सर, और बच्चों को तो फील आता ही होगा कि सर थोड़ा कंटेंट हम लोग बचा देते हैं, ज़्यादा देते हैं। सिर्फ आपको टेस्ट बुक पढ़ा के चल जाना होता तो सर हम आराम ही करते हैं। चलो सर, पहले ये सब क्वेश्चन कर लीजिए, स्वयं करके देखिए वाला। चलो इस क्वेश्चन करो तो, नीरज ने एक रेफ्रिजरेटर खरीदा, ठीक है सर, कुछ समय काम में लेकर उसके रख रखाव और मरम्मत 500 किया, ये 9500 पर गया खर्चा टोटल। नीरज ने उसे 9000 में बेच दिया, उसका लाभ या हानि हुआ? अरे हानि होगा, देखो खर्चा तो उसका 9500 हो रहा है, 9000 बेचा है, 500 का हानि हो रहा है, तो प्रतिशत निकाल। इस क्वेश्चन करा दिया हूँ, अब जरूर कर ले, पहले जल्दी करो तो, जल्दी करो। इस टाइप के सवाल आपको भर भर कर रहे हो। चलो बना लिया बच्चन, चलो मैं बनाता हूँ। तो पहले आप लिखेंगे सर, सेलिंग प्राइस आपका कितना हुआ सर? सीपी। तो सेलिंग प्राइस जो होगा, पहले तो जितना में खरीदा था, तो खरीदा कितना है सर? 9000 में प्लस 500 ऊपरी खर्च किया है, तो सीपी यहाँ बन गया टोटल 9500 रुपया। सीपी कितना बन गया? 9500 रुपया। अब क्या बोल रहे हैं सवाल, 9000 बेच रहे हैं सर, सेलिंग कर देता है उसको कुछ दिन के बाद 9000 में। यहाँ हम देख रहे हैं सीपी बड़ा है, एसपी छोटा है, तो लिखेंगे चूंकि एसपी छोटा हो गया और सीपी बड़ा हो गया, खरीदा था वही ज़्यादा है, बेचने वाला कम है, तो यहाँ पर हानि होगा। क्या बता रहा है? हानि। अब हानि कितना हुआ सर, लॉस कितना हुआ उसको? लॉस निकालने के लिए फार्मूला होगा, इस कॉस्ट प्राइस में से घटा लो एस पी। कॉस्ट प्राइस कितना था सर? 9500। बेच दिया 9000 में, तो उसको हानि हो गया सर 500 रुपये का। कितना का हानि हो रहा है बच्चा जी? 500 रुपये का हानि हो रहा है बाबा जी। अब इसका हानि प्रतिशत निकालिए, लॉस परसेंट। तो आपको हानि परसेंट निकालना सिखाया हूँ, हानि प्रतिशत आपको निकालना सिखाया गया है। फार्मूला क्या था सर? फार्मूला था ऊपर हानि, हानि कितना हो रहा है 500 का, बट्टा कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस कितना है सर? 9500 रुपये का, और गुना में क्या करना था आपको? 100, और क्या लगा देना था? परसेंट। काटिए, जीरो से जीरो कटे, जीरो से जीरो कटे, और बच गया 595। किससे कटेगा ये? पाँच से काटो, पाँच के फार्म दोनों आता होगा, पाँच से काटोगे तो ये कट जाएगा, पाँच का पाँच, चार पाँच नौ 45, 19 फार्म कट गया, और ये पाँच से काटोगे तो कट जाएगा 100 वर्म में, 100 × 500। अब ये हो गया, कुछ डेसिमल में जाएगा, तो डेसिमल में जाएगा तो हम इसको डेसिमल में निकाल भी लेते हैं आपको। ऐसा 100 को 19, इसको आप ऐसे भी छोड़ सकते हैं, आप हानि प्रतिशत बराबर हानि प्रतिशत निकालेंगे तो ये आ गया 100/19%। आप इतना भी छोड़ देंगे तो कोई समस्या नहीं है। तो ये सवाल बन गया, दशमलव निकालना है दशमलव निकाल दीजिएगा, कोई समस्या नहीं होगा। चलिए, ऊपर प्रश्न से हानि प्रतिशत का सूत्र बनाइए, तो सूत्र तो पहले आपको बनाना सिखा दिया हूँ, सूत्र बनाना सिखा दिया गया आपको, ठीक है सर। चलो ये सवाल कीजिए, उदाहरण 14। अमित दो कुर्सियाँ 550 में खरीदता है, उनमें से एक पर 10% का लाभ और दूसरे पर 20% का हानि होता है, तो कुल लाभ या हानि ज्ञात कीजिए। ये सवाल आपको खुद से करना है, सॉल्व हो चुका है, खाली आपको सोल्यूशन बताता हूँ। चलो, 550 में की दर से अमित दो कुर्सी, 550 दो कुर्सी कितना है? 550 550। एक ऊपर उसको 10% लॉस होता है और दूसरे पर उसको 20% हानि होता है, तो कुल लाभ या हानि बताना है आपको।
तो देखो सोशल यहाँ पर किया गया है, तो देखो 110 में रुपये में घर से यहाँ पर सोल्व किया गया था, हल दिया है एक कुर्सी 10% लाभ से बेचा जाता है, इसका अर्थ है यदि क्रय मूल्य 100 रुपये होगा। अच्छा यहाँ पर सोल्व भी किया गया है, पहले बोला कि 10% उसको लाभ हो रहा है, तो इसका मतलब अगर मान लो कि कुर्सी क्रय मूल्य अगर 100 रुपये होगा, ये कुर्सी का क्रय मूल्य 100 रुपये होगा, तो उस पर लाभ कितना होता है 110 रुपये, तो उसके लाभ 10% 10 रुपये लाभ हो जाएगा, यानी हो गया 110 रुपये उसका क्रय मूल्य मिल गया। ठीक, ये हम एक एक नियम अब लगा रहे हैं। अभी देखो 110 रुपये क्रय मूल्य विक्रय मूल्य है, तो क्रय मूल्य 100 रुपये है, तो यहाँ पर 1 रुपये का क्रय मूल्य कितना होगा सर, 110 बटा 100 बटा 110 रुपये, और 550 रुपये में विक्रय मूल्य है, तो क्रय मूल्य कितना होगा, तो यहाँ पर विक्रय मूल्य कर लीजिएगा 500 रुपये कट पड़ोस मिल जाएगा। अब दूसरी कुर्सी पर 20% का हानि से बेचता है, तो मान लो क्रय मूल्य 100 रुपये है, तो विक्रय हानि 20% हुआ, तो 20% मतलब 20 रुपये कम मिल रहा होगा, इन 80 रुपये में बेच रहा होगा उसको। अब 80 रुपये का विक्रय मूल्य है, तो क्रय मूल्य 100 रुपये है, इसीलिए 550 रुपये का हिसाब किताब निकालोगे तो कितना निकलेगा इस सबसे, और जो विधि सिखाया हूँ उस विधि से बनाओगे तो भी अब कैंसर बन जाएगा। अब कुल लाभ पूछा है तो दोनों को जोड़ दीजिए, क्रय मूल्य का लाभ इतना हो रहा था, विक्रय मूल्य का इतना हो रहा है, तो कुछ लाभ हो रहा है क्योंकि यहाँ क्रय मूल्य ज़्यादा है और विक्रय मूल्य छोटा है, तो इसीलिए लाभ होगा, क्रय मूल्य ज़्यादा हो गया। अच्छा विक्रय मूल्य कम हो जा रहा है तो हानि हो जाएगा, ये क्रय मूल्य हो जा रहा है कितना रुपया, अरे कुल क्रय मूल्य तो दिया है, कुल विक्रय मूल्य दे रहे 11,000 रुपये, ठीक तो है। अच्छा ये बात है ना, बेचा कम है, किना है मतलब उसको सब खरीद पर गया है मिला जुला कर 11,87.50 बेच रहा है मात्र 11,000 में, तो 87.50 उसको हानि हो रहा है, बन गया। डिस्काउंट आपको पढ़ाया था, तो डिस्काउंट पर एक सवाल कर लेते हैं जल्दी से, कह रहा कि एक शॉट है ऊपर अंकित मूल्य, अंकित मूल्य पढ़ा दिया हम सब प्राइस बोलते हैं उसको मार्केट प्राइस को जिसको छपा होता है 450 रुपये, दुकानदारों से 300 बेच दिया है, बताइए कि शॉट पर कितना परसेंट छूट मिला है। जस्ट थोड़ा देर पहले अपना किताब वाला सवाल बना के दिया था, किताब का 260 रुपये प्रिंट था, बनाते कि नहीं, बच्चे बना लेंगे सर, तो परसेंट का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्काउंट का फॉर्मूला क्या होता है सर, अंकित मूल्य में से विक्रय मूल्य घटा लो, 150 रुपये का छूट मिला है, और पूछेगा कितना छूट प्रतिशत मिला है तो वो भी निकाल सकते हैं। चलो कितना निकला है, तो नहीं हम ऐसा नहीं बनाएंगे, हम आपको जो सिखाए उस विधि से बनाइए। अब कितना छूट परसेंट मिला है, 150 रुपये है ना, तो छूट परसेंट कैसे निकालना है, तो अपने हिसाब से बनाइए, जिस आपको सिखाया हूँ, किताब वाला मजी किताब लंबा चौड़ा बनाया है। चलो तो अब कितना छूट मिला है तो कैसे निकालेंगे, तो छूट परसेंट निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला था 150 रुपये पर मार्क प्राइस कितना सर, 450 रुपया, छूट नहीं पता तो सर यहाँ पर लिख देंगे हम सर, एक मिनट फार्मूला गलती हो रहा है भाई, ऐसा नहीं था फार्मूला था अपने पास कि छूट प्रतिशत बराबर कितने पर, कितना का सर, 1% का, मान लो हमको नहीं पता कितना छूट मिला, तो 1% का मार्क प्राइस पर एमआरपी पर चलो छूट कितना मिला सर, मान लो 150 रुपये छूट मिल चुका है, 1% का मतलब हुआ 1/100, यह लिख सकते हैं छूट परसेंट लगा सकते हैं छूट परसेंट बराबर, और एमआरपी कितना है सर, 450, ये नहीं सवाल है, हाँ 150 छूट मिला, ठीक है सर, देखो बन गया आपका सवाल, अभी चल जाएगा उधर, तो 150% बाद में लगा देंगे, और ये मल्टी डिवाइड में है तो सर मल्टीपल में चल गया, और ये मल्टीपल में है तो डिवाइड में आ गया, कार्ड शुरू करिए, कार्ड 00 काट दीजिए, ये काट दीजिए 5 से, तो 5×9=45 और 5×2=10, 9 से कटना है तो कट जाएगा क्या, 9×9 नहीं, 9 से 3 से काटो तो ये कटेगा 3×3=9 और 3×5=150, 50 150, हाँ तो ऊपर बच गया मेरा 100 और नीचे बच गया 3,
यानी इतना परसेंट बोले तो देखो इसको काटेंगे तो कितना काटे 100/3 यही अलग देखो 100/3 है ना, तो इसको पूर्णांक में ऐसे लिख सकते हो। तो देखो किताब में कैसे कैसे बनाया था, 450 का इतना है, 1 रुपये में ये अलग हिसाब से बना रहा है दूसरा तरीका से। आपके लिए फॉर्मूला बहुत मस्त है, छूट परसेंट निकाल दीजिएगा डायरेक्ट ऐसे, कितना है 1% है कितना एमआरपी प्राइस है। अब चलो इसको भाग दोगे तो वही आ गया 33 3 9 3 9 99/1% ये हो गया। आप फ्रैक्शन में छोड़ देंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, तो ऐसे निकाल दिया हमने। चलो सर ये बन गया सवाल। अगला सवाल है, एक सोफा का मूल्य जो है सर 1600 रुपये है, सेल में सर 25% छूट बटे घोषणा किया गया। ओहो, तो सोफे पर बटा जो बटे की राशि क्या है, इसका क्रय मूल्य कितना, विक्रय मूल्य कितना होगा। तो देखो इसको भी अपने हिसाब से बनाइएगा बन जाएगा। उसका अंकित मूल्य इतना है, 25% की घोषणा किया गया छूट दिया जाएगा, तो उसके बट्टे की राशि क्या है, मतलब कितना छूट, कितना पहले तो कितना छूट मिलेगा, तो छूट परसेंट निकाल दीजिए। तो ये कैसे बनाया है, फिर ये बनाया हुआ है कि वजह से आप अपने भी से बनाइएगा। आप अपने हिसाब से बनाइएगा, इसको बन जाएगा ठीक है। कहीं दिक्कत है तो आप एग्जांपल देख सकते हैं ठीक है। और ये स्वयं करके देख के बनाइएगा इसको, ये आपका होमवर्क में रहेगा, ये आपका होमवर्क में रहेगा। मैं बहुत सारे सवाल आपको होमवर्क देख जाऊंगा, ये होमवर्क रहेगा। और आप एग्जांपल 7 भी बनाएंगे, एग्जांपल आप 8 भी बनाएंगे, सॉल्वड है लेकिन सॉल्वड से मतलब नहीं है, आप ये जरूर बनाएंगे। आप ये बना सकते हैं, ये टोटल सवाल आपसे बन जाएगा, बस इतना ही बना कर रखिएगा 1 और 2। तो मिलेंगे आपको अगले वीडियो में, मैं सोल्यूशन लाऊंगा, टेंशन मत लीजिएगा, लेकिन आप बना कर रखिएगा कि आप कितने अच्छे कर लेते हैं। बस धन्यवाद।